नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर के स्वर्ग थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चनई में तहसीलदार धर्मवीर भारती अपनी टीम और पुलिस बल के साथ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवैध कब्जा को हटाया गया, जिसमें गांव के लोगों ने नाराजगी जताते हुए तहसीलदार से बातचीत हो रही थी, तभी अचानक अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई और आग इस कदर अपना तांडव की जिसमें आधा दर्जन घरों को चपेट में ले ली। इसका परिणाम लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। फिर गांव के लोगों की मदद से आग को काबू में किया जा रहा था, तभी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में सफल रहा, जिसके बाद उप जिला अधिकारी सोहरतगढ़ मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को राशन और 2-2 हज़ार देने के बाद आपदा राहत देने की बात कही। भाई साहब, आग लगी है, आधा दर्जन तो कैसे लगा है, क्या हुआ? अधिकरण का आदेश था, आदेश में तहसीलदार थानों को बहुत सारे पुलिस आए थे के लिए। उसके बाद में वो बने में वो अंदर गया, उसके बाद में निकला थानों को साहब, उसके बाद में वो आग निकला, उस आग निकले गई थी, आग लगी, आग लगी बस आया। आग लगी है, नुकसान हुआ है, तो क्या कोई अधिकारी आया जो आप लोगों की मदद करने? हाँ, एडीएम साहब आए थे, उसके बाद में वो अपने तरफ से तहसील क्षेत्र सोलहतर में चढ़ाई में आधा दर्जन आग से प्रभावित हुए हैं, क्या मामला कैसे चेन्नई में जो आग लगी है? तहसीलदार महोदय सोरतगढ़ धर्मवीर भारती, कानून को अंकित अग्रवाल यहाँ पे आए और हाईकोर्ट का डायरेक्शन लिखा करके निष्पक्षीकरण कराने जा रहे हैं। आग किसी कारण से आग लगी और आग जब लगा तो लोगों के अंदर आक्रोश हुआ, आक्रोश में लोग दौड़े कानून वो और तहसीलदार महोदय की तरफ से लोगों को मारा पीटा भी गया और मारने पीटने के साथ एक घंटा तक ना तो आग बुझाने में कोई मदद की है लोगों का, ना तो कोई व्यवस्था थी। तो मैंने जब डीएम साहब से वार्ता किया फायर ब्रिगेड की और पैसा लेकर के अंकित अग्रवाल और धर्मवीर भारती आए थे यहाँ।